हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम जो इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं वो देखने वाले फ्रांस और चीन के राजनीतिक दलों के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी राजनीतिक दलों के बारे में, अपने अमेरिका और ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में समझा दिया है, वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें ये कहा था कि एक लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की कहाँ जरूरत पड़ती है, तो वैसे ही एक लोकतंत्र को चलाने के लिए राजनीतिक दलों की जरूरत पड़ती है। बिना दल के चुनाव और लोकतंत्र और सरकार नहीं बन सकती है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत राजनीतिक दल को एज हम कहेंगे तेल के समान इसको महत्व दिया गया है। और ये कहा गया है कि भले ही किसी देश में, लोकतंत्र वाले देश में जो दल हैं वह ज़्यादा महत्वपूर्ण न हो, मतलब या कहें कि ज़्यादा अच्छा काम नहीं करें, लेकिन फिर भी एक लोकतंत्रीय देश में बिना दल के हम कल्पना नहीं कर सकते। लोकतंत्र शासन व्यवस्था में दल का होना अति आवश्यक होता है। इसी तरह से फ्रांस में राजनीतिक दलीय व्यवस्था को हम समझ रहे हैं। तो फ्रांस की दलीय व्यवस्था की राजनीति की पूरी घटनाओं को समझेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो साथ में आप नोट भी कर लीजिएगा। तो जैसा कि आपको पता होगा, आपने अमेरिका के राजनीतिक दलों के बारे में देखा है, ब्रिटेन के राजनीतिक दलों के बारे में देखा है, तो यहाँ पर थोड़ी सी अलग विशेषता है, क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ के दलों का विकास कैसे हुआ है, राजनीतिक दलों का विकास। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं, तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ब्रिटेन और अमेरिका में जब संविधान बन गया, संविधान बनने के बाद राजनीतिक दल आए हैं या दल का विकास हुआ है। लेकिन फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पर संविधान के साथ साथ ही राजनीतिक दल भी बने थे, तो बाकी देशों से ये अलग हुआ। यानी हम कहेंगे कि इनके दलों का जो विकास है वो संविधान के साथ है, संविधान के साथ ही फ्रांस के दलों का विकास हुआ। अस्तित्व जुड़ा है। अभी वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में फ्रांस में कौन सा गणतंत्र है, पंचम। कौन सा है, पंचम, यानी पांचवा गणतंत्र है। तो ये पांचवा गणतंत्रीय शासन है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये फ्रांस में पांचवी बार संविधान बना है। और इस बार संविधान बना है वो कब बना था, ये बना है 1958 में। कब बना, 58 में बना था। और इसी के साथ ही फ्रांस में राजनीतिक दल भी अस्तित्व में आए थे, ठीक है। और अगर बताएं आपको तो इनका जो संविधान जो बना 1958 में, उनकी एक धारा है यानी अनुच्छेद चार में कहा गया है कि राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के साधन हैं। क्या कहा गया है, राजनीतिक दल ही मताधिकार की अभिव्यक्ति के साधन हैं। कहने का मतलब मत देने का अधिकार, तो लोग मत देने के अधिकार का उपयोग कब करते हैं, जब राजनीतिक दल हो, तो इन्हें ये संविधान के तहत पूरी तरह से अधिकार मिला है। तो ये तो आपको मैंने थोड़ा सा इनका एक इंट्रो करवाया, लेकिन अब पूरा राजनीतिक दल को हम समझ रहे हैं तो इनकी विशेषताओं को भी समझते हैं और साथ साथ में इनके राजनीतिक दलों के हम काफ़ी चीज़ों से वाकिफ हो जाएंगे, समझ लेंगे। तो बात करते हैं फ्रांस के राजनीतिक दलों की विशेषता। फ्रांस के अंदर अब देखिए, प्रश्न आपके एक तो 100% आने वाला है, 100% मतलब 100% यानी श्योर है आएगा। अभी मैं कह दिया मतलब आने वाला, तो अब कमी आपकी है। क्यों, क्योंकि देखिए, एक तो फ्रांस, एक ब्रिटेन, एक अमेरिका और एक स्विस, साथ में चाइना भी है, ठीक है। तो इन्हीं देशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हर देश के राजनीतिक दलों के बारे में जानना है। तो इसका मतलब आपने इन सभी राजनीतिक दलों के बारे में अपने नोट्स बना लिए, आपने याद कर ली, तो इसका मतलब आपका ये पांचवी यूनिट जो है, जो 10 15 या 20 नंबर की मान लीजिए, जो भी होती है, लगभग 20 नंबर की होती है, तो आपके 20 नंबर तो श्योर है, पक्के हैं,
कब होंगे? जब आप पांचवी यूनिट के राजनीतिक दलों को याद कर लोगे, तो वही मैं बता रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अमेरिका वाला बता दिया, ब्रिटेन वाला बता दिया, और फ्रांस और चाइना का मैं आज बता रहा हूँ, यानी आपके 20 नंबर लेने की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो आपका सहयोग होगा तो आपको और अच्छा सपोर्ट भी मिल सकता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं फ्रांस के राजनीतिक दलों की। तो फ्रांस के राजनीतिक दलों की हम विशेषताओं की बात करेंगे। राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषता, यानी जो इम्पोर्टेंट विशेषता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, और वो के वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहली विशेषता है कि फ्रांस में अमेरिका या ब्रिटेन की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है। मतलब एक से ज़्यादा दल है, एक से नहीं, दो से भी ज़्यादा दल है। मतलब ये हो गई कि जिस तरह से भारत में दलीय व्यवस्था है, भारत में कितने दल है, कांग्रेस बीजेपी के अलावा ढेर सारे दल हैं, तो इस तरह से उसकी राजनीतिक विशेषता क्या होती है, बहुदलीय। दो से ज़्यादा दल होना मतलब बहुदलीय व्यवस्था। तो उनके चुनावों में ये देखा जाता। तो पहली विशेषता हो गई बहुदलीय विशेषता या बहुदलीय पद्धति। तो इसके बारे में मैंने आपको समझाया कि फ्रांस और ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन और अमेरिका की तरह द्विदलीय व्यवस्था नहीं, यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है। इनके राजनीतिक दलों में दो से ज़्यादा दलों की भूमिका रही है। तो इस तरह से बहुत ही हाईलाइट पहला पॉइंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इन द्विदलीय व्यवस्था की जब बात आती है, तो पाँचवा जो इनका गणतंत्र स्थापित हुआ, पंचम जो गणतंत्र स्थापित हुआ, वह हुआ था 1958 में। तो 1958 में हुआ तब ब्रिटेन अपने फ्रांस में 1958 के साथ ही संविधान बना, उसी के साथ एक नया दल बना था। क्या बना था? एक नया दल बना था, और वह किसके नेतृत्व में बना था? दी गोल के नेतृत्व में बना था। उस दल का नाम है नवीन गणतंत्र संघ। और जितने भी उनके मतलब बात करें फ्रांस में राजनीतिक दल है, उसमें ये सबसे नया दल है और सबसे प्रभावकारी दल यही है। और इन्हीं के द्वारा सरकार में आने का और एक पंचम गणतंत्र को बनाने में इस दल ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बात करते हैं दूसरी विशेषता, दलों के संसदीय और बाहरी संगठन में भेद। दलों के संगठन एवं यानी स्ट्रक्चर, दलों के संसदीय तथा बाहरी, संसदीय तथा बाहरी संगठन में भेद। मतलब ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं ना, यहाँ पे दो तरह के लाइफ जीते हैं। बात करें फ्रांस की हो या अमेरिका की, भारत की हो, तो हमारे राजनीतिक दल जैसे मान लीजिए जैसे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, तो संसद में जाते तो भी वो बीजेपी ही काउंट होते हैं, या संसद से बाहर होते हैं जब चुनाव लड़ते हैं या आम जनता के मध्य जाते हैं तब भी वो बीजेपी एक दल की तरह ही होता है, यानी उनके कार्य और करण में फर्क नहीं होता है। लेकिन फ्रांस में अलग है, अपवाद है। क्यों? क्योंकि फ्रांस में जब दल चुनाव जीतते हैं तो संसद में उनका नाम अलग होता है, और बिना चुनाव के जब आम नागरिकों के मध्य दल पार्टी बनी रहती है तब वह लगभग ना के बराबर या अनोन पार्टी होती है, गुप्त रूप वाली पार्टी होती है, और उसको अलग नाम से जाना जाता है। यानी आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब है कि जो दल है संसद के अंदर तो अलग नाम अलग संगठन की तरह से जाने जाते हैं, लेकिन अगर संसद के बाहर देखा जाए तो उनका संगठन अलग होता है। जैसे कि अगर बात करें तो फ्रांस की संसद में कुछ ऐसे दल है जिनके संसद के बाहर कोई अस्तित्व नहीं है, यानी संसद है तो वो दल है, और संसद नहीं है यानी सरकार में वो नहीं आए, हार गई, तो वो दल नामो निशान ही नहीं दिखता है। तो इस मतलब यही हुआ कि इनके आंतरिक और बाह्य रूप में बहुत ज़्यादा फर्क है, और संसद के दोनों सदनों में एक ही दल अलग अलग नाम से जाना जाता है, एक ही दल अलग अलग नाम से। तो क्या ये समझ में आ गया? जैसे मैं बात करूँ, एक बीजेपी की बात करते हैं अपने भारत में, तो बीजेपी जब संसद में होती है तो मानी जाएगी ऐसे कोई नाम ले लीजिए कि एक्स वाई जेड पार्टी, ठीक है, और ये संसद में नहीं आती है, चुनाव हार जाती है, तो मानी जाती है
एक दो तीन पार्टी, तो इसका मतलब बीजेपी पार्टी संसद में अलग नाम से जानी जाती हो, यहाँ पर अलग, क्योंकि संसद में वो पावर में आ जाती है, संसद के बाहर है वो ना के बराबर होती है, तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से कहा जाए कि ये दो रूप होते हैं, समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं इसकी तीसरी विशेषता, राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई। राजनीतिक दलों के वर्गीकरण में कठिनाई, कठिनाई कैसे कि फ्रांस में जो ये राजनीतिक दल है उसको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते कि भाई ये दल कौन सी विचारधारा से प्रभावित हैं। जैसे बात कर लें अपने बीजेपी या कांग्रेस, तो इनकी एक विशेष विशेष विचारधारा है। कुछ लोग मानते हैं कि बीजेपी है वो किसी धर्म विशेष को महत्व देती है, कांग्रेस है वो ऊंचे लोगों की पसंद है, इस तरह से उनको कैटेगरी में बांट सकते हैं कि भाई ये वो पार्टी होगी ये वो होगी। लेकिन फ्रांस में क्या है कि ये जो पार्टी है वो किसी जाति भाषा या धर्म से नहीं बनती है, वैसे कॉमन बनती है। अब जैसे हम बात करें शिवसेना, तो शिवसेना एक क्षेत्रीय विशेष पार्टी होगी और ज़्यादातर कहा जाता है कि मराठियों के यानी मराठी भाषा के संबंध की एक पार्टी है। इसी तरह बजरंग दल कहें, कांग्रेस कहें, आप कहें या और कोई दल है, तो वह किसी न किसी विशेष विचारधारा से संपर्क में रहती है, तो हम उसको बांट सकते हैं, मतलब कैटेगरी में बांट सकते हैं कि ये फलानी कैटेगरी के अंदर काउंट होता है दल, ये इसमें काउंट होता है। लेकिन फ्रांस में ये कमी है, क्योंकि फ्रांस में जो दल है ना उनकी एक स्पष्ट विचारधारा नहीं है, उनको हम ऐसे नहीं बांट सकते कि भाई ये अमीरों वाली पार्टी है, ये गरीबों वाली है, ये किसी धर्म की पार्टी है, ऐसा हम इनको फर्क नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? फर्क नहीं कर सकते, यही यहाँ पर कमी देखी गई है। और ज़्यादातर ये जो दल हैं फिर इनको अगर देखा जाए तो इनको सिर्फ दो नाम या दो तरह से जाना जा सकता है, एक तो हम इसको पहचान सकते हैं दक्षिणपंथी, एक पहचानते हैं वामपंथी, इन दो तरह से इनको जान सकते हैं, बाकी इसमें फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ये दल इसकी विचारधारा अपना लेता है, ये दल इसकी विचारधारा अपना लेता है, तो इस तरह से इनकी हम स्पष्ट रूप में ये नहीं समझा पाते कि कौन सी दल कौन सी विचारधारा अपनाता है। कभी कभार ये दोनों दल अपने विचारों को ध्यान में रखकर मध्य विचार अपना लेते हैं कि अमीरों का नहीं गरीबों का नहीं बीच वाला विचार अपनाते, तो इस तरह से इसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, समझ में आ गया होगा, बांट नहीं सकते। नेक्स्ट तीस विशेषता होने के बाद यहाँ से आपको ये तीनों मिटा देता हूँ, यहाँ पे फोर नंबर विशेषता आपको समझा रहा हूँ। फोर नंबर जो विशेषता है वह बिल्कुल आपको थोड़ा तो आइडिया लग ही गया होगा कि फ्रांस में जो दल है ना उनका स्ट्रक्चर थोड़ा मजबूत नहीं है, स्टिकली नहीं है, या अनुशासन को फॉलो नहीं करते, कभी भी किसी भी दल में चले जाते हो दल से आ जाते, तो इस तरह से ये दल है एक विशेष दलीय भावना को नहीं अपनाते हैं, तो वही पॉइंट है अपना। चौथा पॉइंट लिखिए, दलों का ढीला ढाला संगठन, दलों का ढीला ढाला संगठन एवं अनुशासन हीनता, क्या हो गई अनुशासन हीनता। तो ढीला ढाला तो आपको पता है ना, जैसे एक सिंपल बात बताऊं, आप नाई के पास जाते हैं ड्रेस सिलवाते हैं, ठीक है, तो एक तो आप फिटिंग वाली ड्रेस सिलवाते हैं एकदम के भाई बढ़िया हैं, तो इस तरह से आप दिखने में भी अच्छे होते हैं, आपकी एक रेपुटेशन भी होती है। एक ऐसा ड्रेस पहना कि भाई मान ले कि वो दो जनों का ड्रेस हो, दो जने समाज जाए, तो ऐसा ड्रेस सिलने वाला और पहनने वाले का कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये क्या पहना है, जंग झोला कहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें तो राजनीतिक दलों में भी यही है कि अगर दल बनाने हैं तो सिस्टम वाले और पक्के बनाने हैं, यानी ड्रेस सिलवानी है तो अच्छी सिलवानी है, तो वैसे ही राजनीतिक दल यहाँ पे अच्छे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे दलों की या उन दलों की रणनीति में काफ़ी कमियाँ हैं। ये दल कभी भी राजनीति में आते हैं एक पार्टी का साथ छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दल का नियमित चुनाव नहीं होता, मतलब कोई रणनीति नहीं है, या दल का एक विशिष्ट सिस्टम नहीं है कि वो उस दल की नीति को फॉलो करे, या क्षेत्रीय कार्यालय है उसका सभापति है उसका सचिव है, तो इस तरह से इनके दलों का संगठन ढीला ढाला है, कोई भी कभी भी पार्टी छोड़ सकता है और आ जाता है। और इसके अलावा इनके दलीय अनुशासन जो दलगत भावना होती है, जैसे राजनीतिक दल है तो उसमें एक दलीय भावना होती है, जैसे खेल खेलने के लिए आपको खेल की भावना होनी जरूरी है, अन्यथा वो खेल बिगड़ जाता है।
तो वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। ये राजनीतिक दल दलीय भावना नहीं रखते, यानी अनुशासन इसमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा लास्ट जो विशेषता है, पांचवी विशेषता, वह है दबाव गुट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉबी। ये मत समझना कि एक लड़की का बहुत हाइट में होती है उसको लॉबी कह दिया, नहीं वो नहीं है। लॉबी का मतलब इसकी इंग्लिश वर्जन है। दबाव गुट क्या होता है? जैसा नाम है प्रेशर ग्रुप। जैसे सरकार सत्ता में जो पार्टी आई, जैसे अब मैं अपने भारत की व्यवस्था का बताऊं, वर्तमान में कुछ समय पहले देखा होगा बीजेपी की सरकार है अभी, तो पंजाब और हरियाणा के आसपास किसानों ने अपना एक गुट बनाया और सरकार पर दबाव डाला कि हमारे लिए ये कानून बदल दो, कानून वापस लो। तो हो सकता है कि ऐसे कानून बनाए हो जो किसानों को पसंद नहीं आए। तो फिर सरकार में बैठे दलों के ऊपर बाहर के अनौपचारिक जो गुट है वह दबाव डालते हैं कि हमारे लिए ये कीजिए वो कीजिए, तब धरना देते हैं, पट्टियाँ उकाड़ते या लोकतंत्र को बाधा डालते। तो मजबूरन दबाव गुट की वजह से सरकार में बैठे दल हैं वह उनकी फायदे के लिए मजबूर होकर काम करते हैं, तो वे कहलाते हैं दबाव समूह। दबाव समूह समझ में आ गया? तो फ्रांस में दबाव समूह का बोलबाला है, वे बाहर रहते हैं, संसद में नहीं होते लेकिन फिर भी संसद में डर का माहौल पैदा कर लेते हैं, क्योंकि वे इस तरह की रणनीति अपनाते हैं कि ये दबाव सरकार में बैठे राजनीतिक दलों पर पड़ता है और मजबूरी में उन राजनीतिक दलों को अपने साख को बनाए रखने के लिए उन दबाव गुटों की बात माननी पड़ती है। तो दबाव गुट से क्या होता है, राजनीतिक दलों का महत्व कम हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि फ्रांस में एक मतलब दो से ज़्यादा दल हैं, तो मैं दो तीन दल आपको यहाँ पर लिस्ट बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे एग्जाम के हिसाब से कि फ्रांस में कौन से दो तीन दल हैं। एक दल के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बताया, एक दल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, उस दल का नाम नवीन गणतंत्र के लिए संघ। अब हम बात करते हैं दलीय संगठन, तो दो तीन दल बताते हैं। पहला है नवीन गणतंत्र के लिए संघ, और ये संघ, ये दल किसके नेतृत्व वाला है, दी गोल, वहाँ का जो प्रमुख व्यक्ति है जो सरकार में भी आया, उनके द्वारा बनाया दल, पहला दल है नवीन गणतंत्र। अब ध्यान रखना ये दल बना सबसे बाद में है लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा है। और दूसरा दल है समाजवादी दल, दूसरा दल कौन सा है, समाजवादी दल, जो इन दोनों के विचारधाराओं में फर्क है, जो दल है वो उनमें कुछ चेंजेस तो जरूर हैं। तीसरा है सुधारवादी दल, फ्रांस में चौथा क्या है, तीसरा सुधारवादी दल, चौथा है लोकप्रिय गणतंत्रवादी दल, लोकप्रिय गणतंत्रीय वादी दल, गणतंत्रवादी दल। और पूरे दलों की बात नहीं करेंगे, चार पांच ताकि आप एक आध याद रखें। और नेक्स्ट जो दल है नेशनल फ्रंट, नेशनल फ्रंट। तो इस तरह से ये राजनीतिक दल है वो पॉपुलर है। और एक और दल है जो पॉपुलर है वो है साम्यवादी दल। तो फ्रांस में ये प्रमुख दल हैं जो उनकी राजनीति में धमा चौकड़ी मचाते हैं, यानी ये सरकार में आते हैं। तो मैं एक पॉपुलर दल के बारे में आपको बता देता हूँ, नवीन गणतंत्र के लिए संघ, और इस दल को मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि ये वहाँ का पॉपुलर दल है और सबसे दबाव और कहते हैं ना एक मजबूत पक्ष वाला दल है, तो इसलिए मैं इस एक दल को महत्वपूर्ण आपको समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पहले ही दल को। तो जैसा कि आपको बता दिया जाए कि इस दल की स्थापना में किस व्यक्ति का योगदान है, दी गोल, दी गोल का नेतृत्व तो इसका योगदान है। अब बात करते हैं इसके जन्म की, तो इस पार्टी का जो जन्म है यानी ये पार्टी कब अस्तित्व में आई, तो इसके जिक्र करें तो ये पार्टी 1947 के आसपास बनी थी,
ठीक है ना, लेकिन उसको ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया था क्योंकि उस समय इस पार्टी का नाम अलग हुआ करता था। पहले ये कहा जाता था फ्रांसीसी जनता के लिए संघ, फ्रांसीसी जनता के लिए संघ, ठीक है। लेकिन जब 1958 का संविधान बना और इस संविधान में अस्वस्थ वातावरण था, उस समय दी गॉल एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ, संविधान बना और उनके दल की सरकार भी बनी। तो 1958 से यह दल बन गया, एक नवीन चुनाव के लिए नवीन गणतंत्र की स्थापना हुई, तो नाम भी हो गया नवीन गणतंत्र के लिए संघ। समझ में आ गया। तो 1958 से लेकर 1980 तक तो ये दल सबसे शक्तिशाली दलों के रूप में शुमार था। यानी आपको पता होगा कांग्रेस का एकाधिकार अपने लोकतंत्र में, यानी कांग्रेस का अपना भारत का पहला चुनाव कब हुआ था, 1952। तो 1952 से लेकर 1967 तक अकेली कांग्रेस ने राज किया था, बाकी दल इतने मजबूत नहीं थे जो कांग्रेस के सामने टक्कर ले पाए। तो ऐसे ही यहाँ पर 1958 से 80 तक तो ये दी गॉल वाली पार्टी ही नेतृत्व में रही। इसके बाद जरूर इसके कमी आई है, लेकिन फिर भी सत्ता में तो अभी लगभग यही आती है ज़्यादातर, और इसका ही नेतृत्व या इसका ही कब्जा रहता है। तो जिसके बारे में मैंने आपको समझा है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। और इसके जो इस दल के जो प्रमुख व्यक्ति है दी गॉल, तो वो काफ़ी बार इस पार्टी से राष्ट्रपति भी चुने गए हैं और इसी पार्टी से वहाँ के प्रधानमंत्री भी होते हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन राष्ट्रपति ज़्यादातर इसी पार्टी से बनता है क्योंकि इस पार्टी का नेतृत्व प्रभाव रहता है। और 2007 की बात करें, क्योंकि अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो 2007 में भी जो फ्रांस का जो राष्ट्रपति हैं वह किस पार्टी से हैं, दी गॉल की पार्टी नवीन गणतंत्र संघ से हैं। तो इसका मतलब इस पार्टी का असर प्रभाव काफ़ी है, भले ही बाद में आई हो पार्टी, लेकिन इसका दमखम सबसे ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर बात करें कि यह पार्टी किस विचारधारा को फॉलो करती है, ये एक बताना जरूरी है क्योंकि हर पार्टी किसी न किसी विचारधारा को फॉलो करती है। तो इसके बारे में बता दिया जाए तो ये पार्टी समाजवादी की विरोधी है, साम्यवाद का विरोध करती है, इस पार्टी की विचारधारा की साम्यवाद का विरोध करती है। और इसके अलावा ये जो पार्टी है वह साम्यवाद के विरोध को अपनाते हुए फ्रांस में साम्यवाद का प्रबल विरोध करती है। और दक्षिण, एक दक्षिणपंथी दल है, क्या है, एक दक्षिणपंथी दल है। और यह दक्षिणपंथी दल होने के कारण अन्य दक्षिणपंथी दल इनका समर्थन करते हैं, और इस तरह से यह पार्टी फ्रांस में साम्यवाद के विरोध में अपने अस्तित्व को मजबूत बनाए हुए हैं। तो ये समझ